मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर हैं, उनकी महिमा निराली है, अपरंपार है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं माता रानी। धार्मिक मत है कि नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्र घंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें, साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बहुत बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे थे, क्योंकि चारों तरफ महिषासुर का आतंक था। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है, इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने महादेव को आवृत्ति सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी बहुत क्रोधित थे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दे दिए। तब माँ चंद्र घंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में वर्णित है कि कालांतर में माँ चंद्र घंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर नहीं टिक सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों की सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना करते हैं।
इस तरह से जो भी भक्तगण नवरात्रि के व्रत रखते हैं उन्हें माता रानी के सभी रूपों की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आज नवरात्र का तीसरा दिन है तो इसमें माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना कर इस कथा का पठन या श्रवण अवश्य करें, तभी माँ पूर्ण फल प्रदान करती है। बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। जय माता दी। सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है, यदि आप माता जी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी को मानते हैं तो उन्हीं के नाम लेकर इस वीडियो को लाइक करके माता रानी की दया से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आने वाली मेरी जो भी कथाएं, व्रत त्यौहार, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जो भी वीडियो जाती हैं वो सभी आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। जय माता दी।